बता दें महाराष्ट्र में जून में सत्ता पलट के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। यह मामला चुनाव आयोग के विचाराधीन है, लेकिन असली शिवसेना का सवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने पूरे मामले में आज 27 सितंबर को विचार करने के लिए कहा था। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों से जवाब मांगे हैं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिवसेना पर शिंदे या उद्धव ठाकरे गुट में से असली शिवसेना होने के दावों को लेकर चुनाव आयोग को आगे विचार करना चाहिए या फिर नहीं, इस पर आज चुनाव आयोग भी विचार कर सकता है। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने उनके गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने और पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर को उन्हें आवंटन के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर अंतरिम राहत के लिए 25 अगस्त को मामला संविधान पीठ के समक्ष रखा था। ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट के मान्यता के दावों पर चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग भी की थी। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ के समक्ष शिंदे गुट के वकील नीरज कौल ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इसके बाद सीजेआई यूयू ललित ने कहा था कि हम देखेंगे कि 5 सदस्यीय पीठ इस मामले में विचार करना शुरू करेंगी। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने इसके लिए आज 27 सितंबर की तारीख तय की थी। बता दें शिवसेना बनाम शिवसेना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को अहम सुनवाई होनी है। महाराष्ट्र में शिवसेना से अलग गुट बनाकर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाने वाले एकनाथ शिंदे और मूल शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी दलील पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर आज सुनवाई करेगा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने इस मामले में चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस पर आज कोई आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने इस मामले में पिछली सुनवाई 7 सितंबर को की थी, लेकिन बता दें एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना को दो गुट में बंट जाने के बाद दोनों गुट पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ जहां दोनों गुट असली शिवसेना होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट शिंदे को असली शिवसेना होने के पक्ष में फैसला सुनाएगा या फिर उद्धव ठाकरे के पक्ष में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।